Hey guys, what's up? Namaskar, Kim Chho, Adab Sashyakal, Vanakkam, Welcome back to our YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. ये ना अभी जस्ट नहा धो करके तैयार हुई है और यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट्स हैं तो आज सारे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग भी करनी है. तो इस व्लॉग में आपको गिफ्ट अनबॉक्सिंग बेसिकली हम लोग दिखाने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब रेडी हो जाती है ना तो रेडी होते साथ ये अपना अस्त्र यूज़ करती हैं और ये है क्योर स्किन का मिनरल सनस्क्रीन जेल जो कि क्योर स्किन की तरफ से मिला हुआ है. और रात को भी ये जब जाती हैं सोने तो अपना फेस वॉश यूज़ करके जाती हैं और सुबह उठने के बाद भी फेस वॉश यूज़ होता है. हाथ में भी लगाए हैं, अब जाते टाइम इसको थोड़ा सा. तो गाइस देखो होता क्या है ना, क्योर स्किन आपको मैं बता दूँ कि क्योर स्किन से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं. आजकल की भाग दौड़ और इतनी ज़्यादा परेशान भरी ज़िंदगी होती है ना कि हम लोग अपने स्किन का केयर करना भूल जाते हैं. लेकिन साइमल्टेनियसली स्किन की केयर करना कितना ज़रूरी है ये आप सबसे छुपा नहीं है. आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो अपने स्किन की केयर करने के लिए. और अगर आपके पास कोई डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है या फिर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप घर बैठे बैठे भी क्योर स्किन का यूज़ करके ना आप डॉक्टर से बात करके अपने स्किन के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हो. क्योर स्किन एक डॉक्टर्स या डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ से आप अपने फेस स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो ना तो वहाँ वन स्टॉप सॉल्यूशन पा सकते हैं. आज सारे गिफ्ट्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा तो मैंने बोला कि आप लोगों के साथ एक स्किन की टिप्स शेयर कर दूँ. वैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि यार हम लोग स्किन केयर के लिए क्योर स्किन का प्रमोशन करते हैं, लेकिन आप ये तो देखो हम लोग कोई ऐसा बेटिंग या गेमिंग चीज़ को के बारे में तो नहीं बता रहे ना जिससे आपका नुकसान हो. हम उसी चीज़ के बारे में आपको बताते हैं, हम उसी चीज़ के बारे में आपसे शेयर करते हैं जिससे आपके आपका कुछ फ़ायदा ही हो. तो स्किन केयर करना आजकल हर किसी के लिए ज़रूरी है. आप कितना पानी पीते हो, कितना फ्रूट्स खाते हो, क्या खाते हो नहीं खाते हो, उससे आपके स्किन के लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. जैसे कि और स्किन के डॉक्टर्स भी बता रहे थे कल परसों मनीषा को जब ये चैट कर रही थी तो वहाँ पर ये बता रहे थे कि आप वो ऑरेंज खाओ या फिर माल्टा वगैरह खाओ जिसमें विटामिन सी होता है, उसके वजह से ना स्किन पे ग्लो होता है, ग्लो आता है और स्किन पे आप ग्लो देखोगे धीरे धीरे ये चीज़ होता है. और वो लोग ये भी बोलते हैं कि मैडम आप मेकअप ओकेजनली चलो ठीक है लेकिन ज़्यादातर अवॉइड करने की कोशिश करो, नेचुरल स्किन को रखो. ये नहीं कि आप डेली मेकअप करते रहो तो हो सकता है क्योंकि मेकअप में हार्मफुल प्रोडक्ट्स वगैरह भी होते हैं. तो सब कुछ मतलब वो गाइड करते हैं प्रॉपरली, आप उनसे चैट कर सकते हो. जितनी मर्जी बार आप बात करना चाहो आप उतनी मर्जी बार बात कर सकते हो. सोचो ना हम डॉक्टर के पास नॉर्मली जाते हैं तो चार्ज ही कितना हाई होता है उनका, उसके बाद रीविजिट चार्जेस लग जाते हैं, फिर मेडिकेशंस के चार्जेस लगते हैं. लेकिन यहाँ क्योर स्किन पे ना आपको 1500-2000 के आसपास में आपका सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने प्रोडक्ट्स लेते हो. तो आप मतलब मनीषा ने तो 1500 का किट मंगवाया हुआ था और ऊपर से आप हमारा कूपन अगर यूज़ करते हो सचिन 100 तो आपको 100 रुपीज़ का और भी डिस्काउंट मिलेगा. तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही यूज़ कर सकती हैं. और ये काफ़ी बेनिफिशियल है, इसको रेगुलर यूज़ करना है, ऐप को डिलीट नहीं करना है. क्योंकि बहुत सारे लोग ना एक दिन दो दिन एक हफ्ता दो हफ्ता लगाते हैं और कहते हैं कि रिजल्ट नहीं दिखा. तो रिजल्ट आपको तब दिखेगा जब आप उसको प्रॉपरली यूज़ करोगे, प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और डेफिनेटली आपका रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा, किसी भी तरह की इसमें वो नहीं. और हम लोग तो डेली इसको यूज़ करते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे अभी तक 6-7 डब्बा हमारे घर में आ चुका है. एक डब्बा जो आता है ना वो आपका 2 महीने तक, 2 से 3 महीने आपका आराम से अगर सिंगल यूज़ करते हैं तो आपका चल जाता है. दो लोग अगर यूज़ मतलब वैसे तो यूज़ उसी को करना है लेकिन मैं मनीषा का फेस वॉश यूज़ कर लेता हूँ. जैसे अभी उठ गया हूँ ना, अभी सारा अनबॉक्सिंग वगैरह करके मैं फिर फेस वॉश भी करने जाऊँगा. तो ये चीज़ होता है कि आप अपने स्किन की प्रॉपर केयर करो. रात को अपने सोते टाइम क्या कैसे केयर करना है सारा बताएंगे. डाइट चार्ट भी प्रॉपर बताया जाता है कि कितना खाना पीना खाना है, कैसे क्या क्या खाना है, कितना आपको फेस पे आइस वगैरह कैसे लगाना है, तो सब वो प्रॉपरली बताते हैं. तो आपको उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ करना है. तो चलो सबसे पहले अभी आज मैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने चलता हूँ और आप लोगों को दिखाते हैं सारे गिफ्ट्स को एक एक करके. मनीषा तुम भी आ जाओ, अपना वो लेते आओ. और कहीं जो किट आता है ना वो किट कुछ इस तरीके का था जो आप देख सकते हो. इसमें एक फेस वॉश रहता है जो कि यूज़ हो रहा है ये वाला भी, और ये एडवांस जेल, और उसके बाद से यहाँ पर ये फेस क्रीम दिया हुआ है. ठीक है, और ये तो सनस्क्रीन जेल इसी में रख देते हैं. तो ये यूज़ होता है डेली, इसका और भी 2-3 रखी हुई है. तो ये है किट हमारा. वो को ना बेसिकली जो भी इसको गोल्ड सिल्वर के गिफ्ट्स मिली है वो दिखाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को पहले ये वाला गिफ्ट भी दिखा देता हूँ. ये हमको लगता है कि हम लोग को सोना सिंह सोनू की टीम से आया हुआ था. तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और पहला गिफ्ट इनका ही खोल रहा है. कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि हमने किसी प्रोफेशनल कैमरा वाले को नहीं रखा और दिखाया नहीं,
ऐसा नहीं है, हमने रखा हुआ था सोना सिंह सोनू की पूरी प्रोफेशनल टीम हमारे पास थी, बस उनके जो वो क्वालिटी होते हैं ना वो आने में टाइम लग जाता है। और जो व्लॉग्स थे ना वो हमारे व्यूवर्स को वेट नहीं था कि भाई जल्दी से डालो भैया, तो मैंने सोचा कि जल्दी से वो व्लॉग डालते हैं, इसलिए हमें वो थोड़ा टाइम लग गया। प्रोफेशनल वाला सारा आने में टाइम लग रहा है, अभी धीरे धीरे आ ही आ चुका है, अब तो एक दो दिन लग ही जाता है। इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं पहले हम लोग। भाई साहब कैंची आ गया, कैंची था ना यहाँ पे। ओ भाई इसमें तो गिफ्ट में गिफ्ट है, इधर दिखा। इसको खोलो तो क्या हाँ? इसमें कुछ लगी है क्या पत्ता। तो गाइस अभी इसको खोल रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या है इसमें। ऐसा क्या लग रहा है प्रिंस, क्या होगा? अरे यार पैकिंग पे पैकिंग कर दी हो, क्या कर रहे हो सोनू भाई? इतना तो हम लोग को पेंटिंग भी नहीं दिख रहा है, अभी भी थोड़ा भी नहीं दिख रहा है। पेंटिंग प्रिंस का गेस है कि पेंटिंग है आपका? मेरा है फोटो फ्रेम, कोई फोटो फ्रेम में भी लग रहा है इतना सारा, पर मेरे को स्टार्टिंग नहीं है। तो आराम से खुल गया, अब कहां से खोलूं? मनीषा तुम बताओ क्या लग रहा है तुमको? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो सकता है। हमको लग रहा है हमको ऐसा लग रहा है वो खुद से पेंटिंग किया, नहीं कुछ एलईडी वाला है। वही तो एलईडी वाला तो मुझे पता चल गया है, लेकिन इसमें है क्या वो भाई साहब? कुछ खतरनाक काम का चीज लग रहा है दिया है सोनू भाई, पक्का हमको ऐसा फील हो रहा है। और ये मेरे स्कूल से रिलेटेड अगर हुआ तो बहुत मजा आ जाएगा। इतना बड़ा बोर्ड की तरह है। अरे यार क्या पैकिंग करवाया हो, लेकिन सेफ्टी के लिए पैकिंग करवाया। ओह माय गॉड, इसमें तो हम ही फड़ फड़ फड़। गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर गिफ्ट है यार, बहुत प्यारा है। बहुत बेहतरीन सोनू भाई, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। एक्सटेंशन बोर्ड चलो ले आओ। और गाइस हाँ ले आओ एक्सटेंशन बोर्ड लेके आओ। और गाइज ये गिफ्ट है जो आप लोग गेस्ट नहीं कर सकते हो, मैं बता देता हूँ कि ये गिफ्ट क्या है। ये है, बहुत सारे लोग फोटो फ्रेम गेस्ट किए होंगे, ये है डिजिटल एलईडी वाला फोटो फ्रेम, एलईडी बेस्ड है ये। और इसके अंदर जो फोटो ये इतना बड़ा है, ये इनके अपने उससे है सोना सिंह सोनू फिल्म्स का, ये इन्होंने दिखा इनका खुद का, और एकदम शॉर्ट नोटिस पे एक दिन में बनवा लिया भाई, बहुत बड़ी बात है। एक दिन में ये बन गया, तो ये आई थिंक बहुत प्यारा गिफ्ट है। और सबसे पहला ये गिफ्ट हमने देखो कितना अच्छा खोला, हमको लगा डिजिटल वर्ल्ड उस टाइप का है कि पावर में लगा दो इस पे लिखते रहो। चलो तो इसका वो कहा है बंद करो। जला तो दोस्तों ये आप देख सकते हो बहुत बहुत प्यारा गिफ्ट, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सोना सिंह सोनू टीम, बहुत ही सुंदर लगा ये तोहफा। बड़ा फ्रेम ना। ये अम्बाला वाले घर में हमारे जाएगा ना, हम
बाला वाले घर में जाएगा वहाँ पे लगाएंगे, या फिर वहाँ भी लगा सकते हैं, स्कूल पे भी, लोगों को पता लगेगा कि हाँ ये सचिन मनीषा का स्कूल है। इसमें देख रहे हैं अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, तो अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। जला एक बार फिर से देखो, लाइट जलने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, कैसा लगा प्रिंस? और बहुत बड़ा साइज है ये तो। थैंक यू सो मच, हम लोग तो इसको ऐसे ही वो रख दिए थे फोटो फ्रेम सोच के साइड में, इतना वो है, थोड़ा सा भी होता तो टूट ही जाता। बहुत बढ़िया, सुनो भाई, थैंक यू सो मच। चलो गाइस, तो नेक्स्ट है, अब जो आपको मैं गिफ्ट दिखाने जा रहा हूँ वो मेरा गिफ्ट है जो कि मैंने दिया हुआ था। क्या मनीषा, मम्मी का भी गिफ्ट रखे हैं, मम्मी का गिफ्ट में से ये उसी रात पे खर्चा भी कर दिए। तो मम्मी का गिफ्ट 2000 रुपए कैश था जो मम्मी अपना फिक्स कर लिए सबको देने के लिए। हाँ। और जो मेरा गिफ्ट था वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये पहले लिया हुआ है कनक मंदिर ज्वेलरी शोरूम से, ठीक है, जो कि अमनौर में है। इसकी खास बात ये है कि इसकी LED जब आप गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे तब जल जाएगा, लेकिन उसके बाद बंद हो जाता है, उसके बाद नहीं जलता है, ठीक है, तो कमी भी बताना पड़ेगा ना। तो ये आप देख सकते हो, थोड़ा पास से एक बार फ़ोन दे दो मेरे को, मैं दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैंने ये वाला कुछ नेकलेस सेट मंगाया हुआ था, चोकर सेट जिसको आप कह सकते हो, और ये गोल्ड का है, ठीक है, और साथ में इयररिंग्स भी हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग आप प्रॉपरली देख सकते हो, डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। मुझे सिंपल सोवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा हॉच पॉच वाला नहीं पसंद आया, हालांकि वो सब भी डिज़ाइन था मेरे पास। तो ये मैंने दिया है मनीषा को, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये इयररिंग्स हैं। शिकायत की है तो लाइट जल गया, देख रहे हो गाइस, ये होता है। चलिए, तो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। बाकी पहनने के बाद तो आप लोगों ने मनीषा को देखा ही था, क्या मनीषा? सो ये है इनका गिफ्ट, गिफ्ट नंबर 1 जो कि अनबॉक्सिंग हो चुका था। तो चलिए, अब इसके बाद से फिर मम्मी का गिफ्ट तो आपको पता ही है, मम्मी का गिफ्ट था एक कैश, 100 का गड्डी दिया था, पैसा मैंने इनके पैकेट में रख दिया था। तो वो इसमें से यूज होने लग गया, फेस हो गया, हो गया। मम्मी तभी बोली कि दी है ना, खत्म ही हो जाएगा उसमें। चलो दोस्तों, तो नेक्स्ट निकालते हैं यहाँ से दूसरा अस्त्र शस्त्र। इसमें जो भी था सामने हमने रख दिया था। तो अब जो नेक्स्ट गिफ्ट है वो है ये वाला, जो कि पंकज जीजू का है, क्या? हाँ। ये पंकज जीजू लेके आए थे, ये देखिए, क्या डाल देते इसमें। तो ये वाला जो है वो है पंकज जीजू का एक ब्रेसलेट है, सिल्वर का ब्रेसलेट है या एंकलेट है, एंकलेट है, पैर में पहनते लोग ना, एक पैर में तो ब्रेसलेट भी कर सकते हैं, ब्रेसलेट ही है ये, ब्रेसलेट है, इसको पहन सकते हैं। उसका डिजाइन बहुत सुंदर है, पास से दिखाओ, इसमें लाइट, इसमें पास में वो है नग भी दिया हुआ है जो ग्लिटर कर रहा है, लाइट पिंकिश कलर का ही है, आपको ऐसे नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत सुंदर सा है। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, आप लोग कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। थैंक यू पंकज जीजू, निशा अपना स्टीकर वो 60-60 के दे दिए हैं। अब नेक्स्ट गिफ्ट खुलने जा रहा है सृष्टि दीदी और आयुष का, इसमें तो कुछ ना कुछ है, बड़ी भारी बहो। दो गिफ्ट है इसमें, दोनों तुम्हारा ही है, दोनों जो एक ही में है ना, झगड़ा हो जाए तरह से, इधर है, दो कैंची दो, ये
तो दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं इस गिफ्ट को खोलने, जो कि सृष्टि दीदी की तरफ से आया हुआ है। बहुत कम टाइम हो गया। हाँ एकदम ऑन द स्पॉट। काहिनी इतना गिफ्ट लेके आती है भाई। ओ भाई बिछिया है ये तो, वो बहुत सुंदर है बिछिया ये। ये तो तुम्हारे ड्रेस का कलर का मैच था यार। हाँ तो क्या पैर मेरा उस टाइम कोई नहीं देख पाता, लेकिन कलर अच्छा है। तो ये बिछिया और साथ में कुछ और भी है, ये भी है, देख लेते हैं हम लोग। ये वाला बोल रही थी बहुत पसंद से लाए थे मनीषा, इसको वेयर करना ऐसे बोल रही थी। हम बोले देखेंगे, उनके यहाँ ना बहुत अच्छा अच्छा मिलता है वो। तो ये सृष्टि दीदी का अगला गिफ्ट है, वो लाइव भी आई थी ना कब जब गई थी शॉपिंग पे। ओ वाओ पायल है गाइस, पायल है ना, पायल छन छन करती नन्नी परी जब दौड़ी दौड़ी आएगी। सो गाइस ये है पायल, देख सकते हो आप इसकी डिजाइन है ना, अभी तक का सबसे यूनिक डिजाइन। तो दोस्तों इसको आप क्लोज से भी देख सकते हैं, इसकी डिजाइन कितनी प्यारी है। सृष्टि दीदी का चॉइस तो मानना पड़ेगा यार, प्रिंस को भी इतना अच्छा दी थी कड़ा। और पायल दी थी ना रैना को, वो भी बहुत सुंदर था। ऐसे ही टाइप का वो देती है। तो बहुत प्यारा गिफ्ट लगा, थैंक यू सो मच सृष्टि जी, थैंक यू सो मच। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी इसकी। मनीषा को थी कि नहीं? मेरे पास भी थी बहुत सारी इसमें की, लेकिन इस टाइप की नहीं थी। तो इसकी ज़रूरत थी, उन्होंने बोला तो इसकी ज़रूरत थी कुल मिला के। नहीं ज़रूरत तो नहीं थी, इतना कम टाइम में उस दिन उनका वो आ गई, उससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत प्यारा है। बेटा कपड़ा वगैरह देने से अच्छा है यही सही होता है, खुद कर। तो चलो थैंक यू सो मच सृष्टि दीदी। नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो है, अब मनीषा खोलेगी, हमारी बुआ जी बुआ का है। बुआ भी एक और गिफ्ट दी है, साड़ी। तो वो आपको दिखेगा, मेरा गला घिस रहा है, इसमें बहुत सुंदर सा है बिछिया। वाओ ये भी मेरे ड्रेस का कलर है। वाओ यार ये पर्पल कलर बड़ा ट्रेंडिंग में चला हुआ है आजकल, देख सकते हो गाइस। तो ये है बिछिया जो कि बुआ जी ने दिया हुआ है, ये भी बहुत प्यारा है। नेक्स्ट तो गाइस जो नेक्स्ट गिफ्ट है ना, वो मम्मी मेरी लाई थी मायके वाले की तरफ से। तो ये है गोल्ड का इयररिंग। बताओ तुम बर्थडे कर रही है, खर्चा उन लोग का करवा दे रही है, तब क्या करें, मम्मी लाई है तो। इसको लगा होगा कि हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा मम्मी से मंगवा दी। कैसे कैमरा फोकस कर रहा है, स्पेशल लग रहा है, मुंह बना हुआ है, दो आंख है ऊपर, अलग डिजाइन है ये डेली वेयर के लिए। तो ये इयररिंग्स पर मम्मी ये तो लात दी है, लेकिन इसका ये भी जो हमको इयररिंग दी है, इसका ये पीछे का बहुत ज्यादा मोटा है, नहीं घुसेगा क्या कान में? चलो तो चेंज हो जाता है। हो गया खत्म गोल्ड सिल्वर नहीं, और मम्मी के साथ पापा का भी दिखा देते हैं। पापा मेरे को लिफाफा दिए, इसमें पैसा दिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू मम्मी पापा, वो लोग आए, इतना डांस वांस किए, अच्छा लगा। और सबसे लास्ट गिफ्ट रंजना का है, जो कि आप लोग को दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट इसका भी है। तो ये है पायल देवरानी जी की तरफ से, और इसको देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये भी, मतलब डेली वेयर में इसको भी वेयर कर सकते हैं, बहुत प्यारा है। रेड और ग्रीन कलर का इसमें मोती दिया हुआ है। ये आपको ब्लैक दिख रहा है कैमरे में, लेकिन ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन बहुत ज़्यादा।
बहुत सुंदर लगा मुझे ये वाला भी। तो गाइज ये था आज का गिफ्ट्स जो कि इस वीडियो में हमने आपको दिखाया। बाकी कुछ कुछ ड्रेस में भी होगा। जेरी बहुत सारा गिफ्ट जो है उसको ओपन करेंगे हम लोग अगले पार्ट में, है ना। तो गाइज इसके अलावा भी और भी बहुत सारी गिफ्ट्स हैं जो कि आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ पे है। तो ये सारा आपको गिफ्ट्स नेक्स्ट पार्ट में खोलूंगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। एंड करने से पहले अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश होने और मुंह हाथ धो लेते हैं, तो आपको दिखाते हैं। सुबह उठते उठते ना सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं। फेस वॉश करने के लिए मनीषा तो लगाती है, मैं भी यूज़ कर लेता हूँ क्योर स्किन का ही डीप क्लींस फेस वॉश। ये हमारे पोर्स के अंदर जो भी डर्ट पार्टिकल होते हैं ना, चूँकि मैं प्लॉट वगैरह पर जा रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और फोमिंग फेस वॉश है ये, मतलब इसको सिंपल सा आपने ऐसे दबाना है और इसमें से फोम निकलता है और एक ना स्किन को एक अलग तरह का ठंडक दे देता है ये वाला। पहले मैं फेस को हल्का सा धो लेता हूँ। देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन दिख रहा है पहले से। तो इसी तरीके से आप भी अपने स्किन को क्लीन कर सकते हैं। और मैं तो नॉर्मली अब इसको ना टॉवल से रब नहीं करना है, सिंपल ऐसे कपड़े को टॉवल को रखना है, आपका फेस ड्राई हो जाएगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद है, प्रोडक्ट्स क्या पसंद है, अगर आपको भी अपने स्किन के रिलेटेड कोई भी तरह का कंसर्न है तो आप लोग क्योर स्किन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारा कूपन कोड यूज़ करके ना आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय, लव यू ऑल।